मेटालिक्स BLDE रोड विजयपुरा। ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಹರಿಯಾ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗುಂಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ BLDE ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ है वो जिलानी जमादार है। जोरदार तालियों के साथ जिलानी जमादार साहब की खिदमत मुबारकबादी पेश करते हुए आज के शहनशीब पर हम इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद यानाद कमेटी जिला बीजापुर की जानिब से हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ लाने वाले मोहम्मद यानाद कमेटी तालुका मुद्दे बहर से तशरीफ लाने वाले इंतहाई मोतबर काबिल एहतराम शख्सियत हाफिज मोहम्मद हुसैन मुद्दे बहर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो भी शहनशीब पर तशरीफ लाए। हाफिज मोहम्मद हुसैन मुद्दे बहर साहब करते हैं, हम इस बात से बखूबी वाकिफ है, हमारे असलाफ बुजुर्गाने दीन का यह आईन अमल भी रहा है, जब भी कोई काम चाहे वह दीनी हो या दुनियावी हो इस ईमान यकीन के साथ कि वो काम पाए तकमील तक पहुंचे, इस काम से अल्लाह राजी हो, इस काम में अल्लाह की खास मदद और नुसरत हो, ये हमारे बुजुर्गाने दीन आईन असलाफ का आईन अमल रहा है कि वो हर जलसे का हर प्रोग्राम का आगाज अल्लाह सुबहान तआला के पाकिजा नाम से, अल्लाह सुबहान तआला की पाकिजा मोतबर मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत से शुरू करते थे। तो आइए खवातीन हजरात, हम भी आज के इस प्रोग्राम का आगाज हमारे इस असलाफ व बुजुर्गाने दीन के इस आईन अमल पर अमल करते हुए, आज के इस अजीम शान प्रोग्राम का आगाज भी अल्लाह सुबहान तआला के पाकिजा नाम से, अल्लाह सुबहान तआला की पाकिजा मोतबर मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत से इस जलसे का हम आगाज करते हैं, जिसके लिए सादिया तहसीन जमादार अल हुदा हाई स्कूल इस तालिबा से हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और कुरान पाक की तिलावत से जलसे का आगाज करें। सादिया तहसीन जमादार। किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा चमकते चमकते चांद तारों में खुदा
मोहम्मदिया नाथ कमेटी ज़िला बीजापुर के आज एक यहाँ पर जलसा मनाया जा रहा है। और ये जलसा किस ताल्लुक से मनाया जा रहा है, इस जलसे में क्या होगा, आइए मोहम्मदिया नाथ कमेटी के जिम्मेदार अब्दुल हमीद जमादार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन सामईन, ये अल्लाह का बेइंतेहा करम है कि मोहम्मदिया नाथ कमेटी की जानिब से आज बरोज़ शनिचर बतारीख 30 सुबह 11 बजे अलहुदा हाई स्कूल में जो है एक मोहम्मदिया नाथ कमेटी की जानिब से माह रबी अव्वल को मद्देनज़र रखते हुए जश्न मिलादुन्नबी का जलसा मुनक़िद किया गया है। वैसे तो मोहम्मदिया नाथ कमेटी की संग बुनियाद रखे हुए 38 साल हो गए, आज का जलसा 38वां साल के राह मनाया जा रहा है। लेकिन 2 साल कबल हमारे यहाँ मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मशीद यजदी के सामने किसका बस चला है। बहरहाल एक वबाई बीमारी रही जो कोविड-19 की वजह से हमने इन इजलास को मुनक़िद नहीं कर पाए। मोहम्मदिया नाथ कमेटी पहल जो है सिर्फ नात खानी का मुकाबला मुनक़िद किया करती थी, लेकिन 2013 और 14 से जो है मुकाबला क्विज़ का अहतमाम किया करते रहे। बहरहाल मोहम्मदिया नाथ कमेटी की जानिब से जो अव्वल दुवम सवम हासिल करने वाले इनाम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को 10,000, 7,000, 5,000 रुपये इनाम और हम जो है ना कंसोलिडेटेड प्राइजेस के जो भी हैं 10 बच्चों को वहाँ जो है ना 1,000 रुपये भी जो है ना बतौर नजराना दिया करते थे। लेकिन हमारे अपने मोहम्मदिया नाथ कमेटी के 60-70 अफराद ने हमारी इस काम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ इन बच्चों को नकद इनाम देने के बजाय मुकाबले पेश 1500 की बरजबानी करते हुए बच्चे काम करते हैं। बाद ज़िले सतह पर उन टीमों को हमला लेते हैं जो अव्वल आने वाली टीम के लिए उमरे का टिकट देने का भी अहतमाम किया। गुज़िश्ता 4 टीम जो है ना हमारी उमरे के टिकट लेकर मोतमिर होने का शर्फ हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2018 और 19 के बच्चे बचे हुए रहे क्योंकि वबाई बीमारी की वजह से जा नहीं पाए। लिहाजा हमने फैसला किया कि इम साल यानी कि 2021 और 2022 में मुकाबले न सही लेकिन उन बच्चों की अमानतें उन तक पहुँचाएँ। लिहाजा आज नकद रकम जो है ना उमरे का टिकट का आज हम देने का यहाँ अहतमाम किए हुए हैं। तो लिहाजा आइंदा भी जो है ये सिलसिला कता नहीं होगा, इंशाल्लाह 2022 में जो है बाकायदगी से ताल्लुक़ सतह पर मुकाबला नाथवानी होगी, मुकाबला क्विज़ होगा और मुकाबला क्विज़ में सीरत होगी, गजवात होंगे, सहाबियात और असहाब पर मुतलिक होगा, इस्लामिक लिटरेचर होगा और कुरान मजीद की मुफसिल कमोबेश 1500 सवालात के जवाब जो है ना उन्हें मवाद फराहम कर दिया जाता है। वो बच्चे जो है ना अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर उमरे का टिकट हासिल करते रहते हैं। सर मोहम्मदिया नाथ कमेटी का इनका इसके संगे बुनियाद रखे हुए 38 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। जी सर, मोहम्मदिया नाथ कमेटी की खिदमत जो है ना 38 साल हैं, दामे दरमे सुखने कहीं से इमदाद तलब नहीं करते, बल्कि हम जो है ना 50-60 अफराद जो हैं इन्हीं अफराद पर जो है ना हम अपनी ये माली अखराजात जो हैं बर्दाश्त करते रहते हैं। ये अल्लाह का भी इंतहासान करम है, इंशाल्लाह आइंदा साल हम इसको जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का हम अहतमाम करेंगे। सदर इदारा और तमाम मुंतज़मीन इदारा का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने जो है ना इस कार खैर को पाए तकमील पहुँचाने के लिए हमारा भरपूर ताउन करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि 38वां मोहम्मदिया नाथ कमेटी का जलसा मुनक़िद हो रहा है जिसमें शहरयाना ने बीजापुर भी इस शिरकत पाए हुए हैं। लिहाजा जैसा कि सर ने फरमाया कि आज कोई भी मुकाबला नहीं होगा, बस पिछले साल जो विनर्स थे उन तलबा और तालिबात को आज उमरे के टिकट से नवाजा जा रहा है। बेहद शुक्रिया। तो आपने सुना कि मोहम्मदिया नाथ कमेटी के जिम्मेदारान ने ये कहा कि जो 38 साल से मोहम्मदिया नाथ कमेटी जो ज़िले सतह पर ये काम कर रही है और क्विज़ और नातिया मुकाबले में जो 2019 यानी 2019 के जो बच्चे हकदार थे, जो प्रोग्राम जो नातिया में जीत चुके थे लेकिन वबा की वजह से वो उमरा नहीं जा सके, आज उन्हीं बच्चों को जो है उनकी अमानत जो है उनका नकद इनाम जो है कांग्रेस के एक्स MLA जनाब मकबूल बागवान साहब की सदारत में इनके बदस्त मुबारक वो इनामत इन बच्चों को दिया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो मोहम्मदिया नाथ कमेटी जो 38 साल से जो खिदमत कर रही है वो आइंदा साल भी जो है आइंदा इस तरह की खिदमत अंजाम देगी। कैमरामैन रूफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। कैच कीजिए ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाओ कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, यह ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन
डॉक्टर शाह ने करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सकाफ रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। बीजापुर में पहली बार बिगॉज ऑनलाइन मल्टी डिलीवरी ऐप अब सब कुछ 30 मिनट में आपके घर तक फूड, मीट एंड फिश, ग्रोसरी, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल, स्वीट मार्ट। जल्दी ही इसकी सर्विस चालू होगी। आपके दूर तक चाहे हुआ